अमेरिका और नाटो देश, खासतौर पर ब्रिटेन जैसे देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके उकसावे पर ही यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी थी। और अगर बाइडेन खुद कह रहे थे कुछ महीनों पहले कि बातचीत की टेबल पर हम जाएं उससे पहले यूक्रेन का पक्ष मजबूत हो इसलिए हथियार दे रहे हैं, तो वो हथियार वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं या क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे में कितने दोषी हैं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने आज यूक्रेन को ना घर का छोड़ा है और ना घाट का? देखिए शुभांकर, मैं अमेरिका और ब्रिटेन के रोल पे कई बार बोल चुका हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये दो देश हैं सिर्फ जो जिन्होंने इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया है। बाकी जो यूरोपियन देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, बाकी देशों ने काफी कोशिश की है कि किसी तरह से ये युद्ध नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए, खत्म हो जाए, लेकिन ये दो देश लगातार जो है उसमें आग में घी का डालने का काम किया है। और ये भी मैं बोलता आया हूं कि जब तक ये दो देश नहीं चाहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा, ये यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है अभी। लेकिन इससे पहले मैं इस जवाब पर आऊं कि इन्होंने अब तक क्या मदद की है, मैं आपको एक मिलिट्री सिचुएशन बताना चाहता हूं। सेवेरोडोनेट्स्क में अब वही हालात बन गए हैं जो मरियोपोल में एक महीने पहले थे, यानी वहां पे एक केमिकल प्लांट है, इंडस्ट्रियल प्लांट है, शहर से थोड़ा बाहर, अजोत नाम है उसका केमिकल प्लांट का। अब पूरी की पूरी जो यूक्रेनियन फौज और लड़ाके हैं वो सारे इस प्लांट तक सीमित रह गए हैं और इसको रूसी फौज ने घेर लिया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्होंने अजोवस्ताल स्टील प्लांट को घेरा था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में जो ये घेरे गए सैनिक हैं इनका वही हश्र होने वाला है जो अजोवस्ताल स्टील प्लांट वाले यूक्रेनियन सैनिक का हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो अभी गीता ने बोला कि पूरा फोकस अभी रशियन फौज का ओडेसा पे जाने वाला है, अगर ये हो जाता है तो शुभांकर मान के चलें रूस यूक्रेन को पूरी तरह से समुद्री तट से काट देगा, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी मिलिट्री और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस रखता है। अब मैं आता हूं ब्रिटेन और अमेरिका के रोल पर। देखिए लगातार अमेरिका और ब्रिटेन सप्लाईज भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि सप्लाईज नहीं आ रही, लेकिन काफी हद तक ये सप्लाईज फ्रंट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और इसका एक बड़ा कारण है लगातार रूसी हमला पश्चिमी यूक्रेन में। देखिए लवीव में हमले हुए हैं, इवानो फ्रेंको में हुए हैं, निप्रो में हुए हैं, बहुत सा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने टारगेट किया है। हालांकि इवन इन कीव जो हमला हुआ था वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल है इस पूरी सैनिक मदद को पूरी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए जहां सैनिक एक्चुअली लड़ रहे हैं। तो ये अपने में वहां पहुंचा पाना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत डगमगा गए हो अमेरिका और ब्रिटेन मदद भेजने में, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मदद भेजी जा रही है लेकिन ये जो मोर्चे हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही। अब गीता, दो सवाल यहां पर आते हैं। एक सवाल तो ये है कि फ्रंटलाइन तक हथियार नहीं पहुंचे और एक खबर ये भी आ रही है कि देखिए रूस लगातार हमलों को तेज कर रहा है, चाहे सेवेरोडोनेट्स्क की बात की जाए या फिर ब्लैक सी से जो रॉकेट दागे गए जिसके जरिए जो हथियार भेजे गए थे यूक्रेन के उनके डिपो को ही तबाह कर दिया गया। तो यहां से अब युद्ध कहां जाता नजर आ रहा है? इसके बाद हम मारियोपोल पर जाएंगे खबर पर जहां पर बीमारियों के फैलने खतरा है, लेकिन जरा ये समझाइए कि अगर हथियार नहीं पहुंच रहे या तबाह कर दिए जा रहे हैं तो अब अगले 2-4-5-6 दिन कितने अहम है, क्योंकि आगे सर्दियां हैं और हम सभी जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट डोनबास का इलाका जो है वो यूक्रेन से रूस ने ले लिया है, 97% हम सभी कहते हैं। देखिए बहुत क्रिटिकल है, अगर ये एमिनेशन नहीं पहुंचता है तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कॉल है और यूक्रेन के अंदर भी काफी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये लड़ाई अब सस्टेनेबल है। लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, इकोनॉमी ठप हुई पड़ी है। अगर आप गैस पाइपलाइन की भी बात करें शुभांकर, तो जितना भी गैस यूरोप में जाता है रूस का, ज्यादातर वो यूक्रेन से होकर जाता है और यूक्रेन को उसके काफी पैसे मिलते थे। अगर ये भी बंद हो जाता है तो ये भी यूक्रेन के लिए नुकसान है, नुकसानदायक होगा। ना केवल ये गैस जो यूक्रेन रूस का यूक्रेन से होकर यूरोप जाता है, लेकिन यूक्रेन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट पाइपलाइन था। तो एम्युनिशन नहीं पहुंचने का मतलब है यूक्रेन के लिए आगे बहुत बड़ा धक्का हो सकता है ईस्टर्न फ्रंट पर, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जैसे राजेश कह रहे थे कि ये लैंडलॉक नेशन हो जाएगा, जिसको वापस आप इन डेट्स को, इस हिस्ट्री को शुभांकर रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन इस हिस्ट्री को, इस जिस सिचुएशन में अभी है यहां से भी वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली अब पुतिन के लिए वायबल नहीं है कि जो कैप्चर टेरिटरीज है उसे वो वापस करे। और अगर पुतिन इन कैप्चर टेरिटरीज को वापस नहीं करता है, वो वैसे भी वायलेशन है इंटरनेशनल रूल्स नॉर्म्स के, क्योंकि आप डॉनबास के इलाके की बात नहीं कर रहे हैं,
आप क्राइमिया की भी बात नहीं कर रहे हैं जहां पर आपने रेफरेंडम के तहत कहा कि हमने इसलिए से एनेक्स कर लिया है क्योंकि यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ रहे। आपने इन एरियाज को इन्वेड करके अपने अंदर अपने अपने कब्जे में ले लिया है, तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है। लेकिन देखना ये होगा कि इन 3 महीनों में रुख कहाँ बदलता है, कैसे बदलता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरे लड़ाई, इस पूरे युद्ध का। और अगर इन इन एरियाज में, कैप्चर टेरिटरीज में रूस रेफरेंडम करने लगेगा, जैसे हम मेलिटोपोल में थे शुभांकर 2 हफ्ते पहले, मतलब अब से 2 हफ्ते पहले नहीं, जब हम वहां पर थे दो हफ्ते के बीच में, जब हम पहली बार गए मेलिटोपोल तो पूरी जगह ब्लू और येलो फ्लैग्स यानी कि यूक्रेनियन कलर्स में था, अभी अभी कैप्चर ही हुआ था। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब हम गए, सारे येलो ब्लू कलर्स हटा दिए गए थे मेलिटोपोल से। और वहां के मेयर, जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मेयर है, मेयर ग्लोरिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेफरेंडम होगा। अगर ऐसी रेफरेंडम हुए इन सारे कैप्चर टेरिटरीज में, और क्योंकि वहां पे रूसी पॉपुलेशन ज्यादा है, और देखिए जब फोर्सेस वहां पे खड़े होके रेफरेंडम करते हैं तो कहीं ना कहीं डर भी होता है, जो आपको मारियोपोल में भी नजर आएगा। लेकिन हाँ, कोई रूसी, जो रूसी डिसेंट के लोग हैं, वो बहुत खुश नहीं है कीव से। अगर रेफरेंडम होता है और रेफरेंडम में लोगों ने रूस की तरफ अपने वोट्स दे दिए तो क्या होगा? तो फिर वो वही बोलेंगे कि ये लोग चाहते ही नहीं है यूक्रेन के साथ रहना, हमने बकायदा रेफरेंडम किया है। जो लैवरोव ने भी कहा था हमारे इंटरव्यू में कि रेफरेंडम से बड़ा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही क्या है, लोग खुद डिसाइड करें उन्हें कहाँ रहना है।